आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की टीम का अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट होने वाला है और इस मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए कुछ बहुत ही बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही है और आरआर की टीम को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स भी आई है। तो इन सभी के बारे में आज की स्टूडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बात करते हैं हम सबसे पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में जो आरआर की टीम को लेकर आ रही है। तो वो आ रही है दोस्तों आरआर की टीम के ओपनर्स को लेकर, जहां पर जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ये दोनों खिलाड़ी काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली जॉस बटलर तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले मैच में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है जॉस बटलर और पिछला सीजन भी बहुत ही अच्छा इनका रहा था, इस सीजन की शुरुआत भी इन्होंने बहुत ही अच्छी करी है। वहीं पर बात करें हम इनके पार्टनर की, इनके ओपनिंग पार्टनर की बात करें यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर 3 मैचेस में 250 इन्होंने भी मारी है। से कंपेयर करें तो इस सीजन में काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है, अपने गेम में काफी ज्यादा इंप्रूव होकर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी इनकी पहुंच रही है। बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी ये कर रहे हैं, पावर प्ले का यूज सही से कर रहे हैं और अच्छे अटैकिंग माइंडसेट के साथ इस बार इन्होंने यहां पर पारिया के लिए। तो ये आरआर की टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि इस बार इनके दोनों ही ओपनर्स जॉस बटलर तो फॉर्म में ही हैं, लेकिन साथ में इनके जो दूसरे खिलाड़ी है यशस्वी जायसवाल वो भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर बात करें अगली और भी अच्छी खबर के बारे में बात करें तो वो आ रही है आरआर की टीम के फिनिशर शिमरॉन हेटमायर को लेकर, जहां पर शिमरॉन हेटमायर को लोग काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे फिनिशर है। आरआर की टीम के लिए बहुत गेम इन्होंने फिनिश करे है, इस सीजन में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पहुंच दी है। लास्ट ईयर भी आरआर की टीम ने इनको इस रोल के लिए ही ऑक्शन में खरीदा था और काफी हाई प्राइस देकर इनको खरीदा था। आरआर की टीम को बिलीव था इनके ऊपर कि ये इस तरीके की पहुंच देंगे और ये दे भी रहे। लास्ट ईयर भी बहुत सारे गेम्स इन्होंने फिनिश करे थे, अच्छी फिनिशर वाला रोल इन्होंने निभाया था और इस सीजन के शुरुआत में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पारियां खेली है। तो आरआर की टीम के लिए ये भी बहुत ही अच्छी खबर है कि उनका जो फिनिशिंग वाला डिपार्टमेंट है वहां पर भी प्लेयर्स फॉर्म में है, जहां पर शिमरॉन हेटमायर ध्रुव जुरेल जैसे ये दोनों खिलाड़ी है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे, बढ़िया फिनिशर वाला रोल अदा कर रहे। तो ये आरआर की टीम के लिए एक और बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर के बारे में बात करें, अगली अपडेट के बारे में बात करें तो ये अपडेट है आरआर की टीम के स्पिनर को लेकर, जहां पर आरआर की टीम का अगला मैच होने वाला है चैपॉक में। अब चैपॉक में जो एक मैच हुआ वो तो काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हुआ, बॉलर्स को विकेट भी जरूर मिले लेकिन बहुत ही ज्यादा रन भी वहां पर बने, लेकिन अगर वो पिच में थोड़ा सा भी यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, ऐसी पिच लगे आरआर की टीम को, तो आरआर की टीम एक चीज जरूर कर सकती है, जहां पर आरआर की टीम अपने एक फास्ट बॉलर को कम करके यानी कि जेसन होल्डर को बाहर बिठाकर एडम जैम्पा को ला सकते हैं। अगर स्पिन फ्रेंडली पिच आरआर की टीम को दिखती है तो ये चीज जरूर कर सकते हैं, और अगर आरआर की टीम जेसन होल्डर को ड्रॉप नहीं करना चाहती है तो आरआर की टीम संदीप शर्मा को ड्रॉप करके मुर्गुन अश्विन को भी ला सकते हैं। तो ये एक चेंज कर सकते हैं, यानी कि आरआर की टीम वो एक और एक्स्ट्रा स्पिनर को ला सकते हैं चैपॉक की पिच को ध्यान में रखते हो। अगर स्प्रिंट फ्रेंडली पिच दिखती है तो आरआर की टीम ये चीज कर सकती है, लेकिन अदरवाइज आरआर की टीम ये चेंजेस नहीं करते तो अभी चलेगा, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा ही था कि मुर्गुन अश्विन इंपैक्ट प्लेयर के रूल में आ गए थे, तो आरआर की टीम ये चीज भी कर सकती है। अगर स्प्रिंट फ्रेंडली पिच हुई तो आरआर की टीम यहां पर मुर्गुन अश्विन को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ला भी सकती है। तो ये आरआर की टीम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आरआर की टीम की प्लेइंग 11 में और कोई ज्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है। अगर कुलदीप सेन फिट है तो संदीप शर्मा की जगह पर आप उन्हें खिला सकते हैं, लेकिन संदीप शर्मा ने भी पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो ये कुछ चीजें आरआर की टीम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आरआर की टीम की प्लेइंग 11 काफी सेट है और काफी सॉर्टेड भी नजर आ रही है। आपकी क्या रही है, आप इन सबको लेकर क्या कहना है आपका, वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।